दोस्तों, मैं सैम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल ड्रीम फैंटेसी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स की टीम। दोस्तों, मैं आपको अब जल्दी से मैच का प्रीव्यू दे देता हूँ। दोस्तों, ये मैच इंग्लैंड के लीसेस्टर ग्राउंड पर खेला जाना है। यहाँ पर दो पिचेस है, एक बैटिंग फ्रेंडली और एक बॉलिंग फ्रेंडली। यहाँ पर टोटल 350 प्लस का भी स्कोर हुआ है जो कि इंग्लैंड ने बनाया था, और यहाँ पर लोएस्ट स्कोर वेस्ट इंडीज़ की वुमेन्स ने बिलो 50 बनाया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सी पिच पे खेला जाएगा, क्योंकि इस ग्राउंड में दो पिचेस है। तो अभी तक कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि कौन सी पिच पे खेला जाना है ये मैच। अब चलते हैं मैच की तरफ। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस टीम एक मैच इस वर्ल्ड कप में जीत चुकी है, जो कि इनका आखिरी मैच था। तो वो उनकी टीम इस मैच में कोई चेंजेस नहीं करेगी। वहीं पाकिस्तान की टीम अभी तक भी एक मैच नहीं जीत पाई है, तो वो लगता है कि एक दो चेंजेस कर सकती है। बट मैं आपको इसमें बैलेंस टीम प्रोवाइड करूंगा कि जो प्लेयर्स खेलें और पॉइंट स्कोर करेंगे। तो मैंने इस मैच में दो टीम्स पिक किए हैं। पहली टीम मैं आपको बताता हूं, तो मैंने यहां विकेट कीपर में मैरिसा इग्लेरा को लिया है। आपसे कहूंगा सिद्रा नवाज को मत लीजिएगा अपनी टीम में, क्योंकि ये 9 पोजीशन में बैटिंग पे आएगी और ज़्यादा अच्छा अभी तक इन्होंने करा भी नहीं है, तो इनको लेना वेस्ट होगा। बैटिंग में मैंने 4 लिए हैं। फर्स्ट में मैंने नैन अबीदी को लिया है, दूसरे पे आयशा जफर, तीसरे पे चेंगेन नेशन, चौथे पे किशोना नाइट। आप चाहो तो यहाँ रोटेट कर सकते हो आयशा जफर और नहीदा खान में, बट यहाँ मैं आयशा जफर के साथ जाऊँगा। 3 यहाँ ऑलराउंडर्स मैंने पिक किए हैं, सना मीर, हाइले मैथ्यूज, अश्मिता इकबाल। यहाँ पे भी आप रोटेट कर सकते हो हाइले मैथ्यूज और स्टीफानी टेलर के बीच में। इस टीम में मैं हाइले मैथ्यूज के साथ गया हूँ। 3 मैंने यहाँ बॉलर्स पिक किए हैं, निशा मोहम्मद, एफी फ्लेचर और नाशरा सांडू। इसमें भी आप एक रोटेट कर सकते हो सांडू को सिद्धिया यूसुफ के साथ। इस टीम में मैं सांडू के साथ गया हूँ। अब मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन शो करता हूँ। सना अमीर मैंने कैप्टन ली है, क्योंकि पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर जल्दी कोलैप्स होता है, तो इनको पूरा चांस मिलता है बैटिंग करने का, और ये 20-30 का स्कोर ईजिली स्कोर करती है। और साथ ही साथ इनकी बॉलिंग तो वैसे ही अच्छी है, 2-3 विकेट से ईजिली ले लेती है, तो इनके पॉइंट्स अच्छे ही जाते हैं हर मैच में। मैंने वाइस कैप्टन में हाइले मैथ्यूज़ को दिया है, ये भी सेम टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वेस्ट इंडीज़ की, और साथ में 10 ओवर कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको दूसरी टीम दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने प्लेयर्स रोटेट किए हैं। विकेट कीपर में मैंने मैरिसा इग्लेरा के साथ ही गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक चेंज किया है बैटिंग में। मैं नहीदा खान की जगह को लेके आया हूँ टीम में, नैन अबीदी की जगह, और आयशा जफर, चेंगेन नेशन, किशोना नाइट, ये सेम है। आप चाहो तो नाइट को टीम से बाहर कर सकते हो, क्योंकि ये भी 7 ऑर्डर पर आती है, बट वेस्ट इंडीज़ की टीम भी जल्दी कोलैप्स होगी, तो इनका भी पूरा मौका मिलता है बैटिंग करने का। तो ये 4 बैट्समैन मैंने यहाँ पिक किए हैं, 3 ऑलराउंडर, स्टीफानी टेलर, सना मीर और हाइले मैथ्यूज। यहाँ पे मैंने अश्मिका इकबाल की जगह स्टीफानी टेलर को डाला है टीम में। 3 बॉलर्स के साथ मैं आ गया हूँ, अनिशा मोहम्मद, एफी फ्लेचर और सादिया यूसुफ। यूसुफ को मैंने सांडू की जगह लिया है, ये भी परफेक्ट टीम है आप देख सकते हो। अब आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में शो करता हूँ। सना मीर सेम मैंने यहाँ कैप्टन रखा है, और वाइस कैप्टन में मैं अनिशा मोहम्मद के साथ गया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर जल्दी कोलैप्स हो जाता है, तो अनिशा मोहम्मद 2-3 विकेट इजी ले लेगी और अच्छे पॉइंट स्कोर कर लेगी। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपको ऐसी ही वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे हर मैच की। आप चाहो तो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करेंगे आपके पास सीधी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप दोस्तों यही टीम पिक करोगे तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और आप अच्छा जीत पाओगे, हमने आपको प्रूफ भी दिखाए हैं। दोस्तों, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।